कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रमोशन हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में होने जा रहे हैं, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इन पॉइंट्स को बारी बारी से बारीकी से समझें। देखिए, जो पहला पॉइंट है आपके सामने, सचिव द्वारा निर्गत प्रमोशन के आदेश से बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं का प्रमोशन प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद व जूनियर के सहायक पद पर प्रमोशन किया जाएगा। एकदम क्लियर है। अभी डाटा देखिए, बेसिक अभी शासन स्तर से मिडिल के हेडमास्टर के लिए भी मांगा गया है, लेकिन कोर्ट केस जैसे सुलझेंगे वैसे उस पर भी प्रमोशन होंगे। सातवें वेतन मान लागू होने के बाद वर्ष 2016 से पे ग्रेड 4200, 4600 व 4800 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो एकदम क्लियर कर लीजिए कि अब पे ग्रेड नहीं है, अब प्रमोशन में सिर्फ लेवल व बेसिक पे ही बढ़ेगा और कुछ भी नहीं बढ़ना है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इस बार अप्रैल में प्रस्तावित प्रमोशन भाग लेने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं को जुलाई में मिलने वाला इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए कम से कम 6 माह होना आवश्यक है। तो ये क्राइटेरिया रहता है कि आपका तभी इंक्रीमेंट लगेगा जब इसके पहले कोई आपको मिला हो लाभ तो वो 6 महीने ना हुए हों। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन ही यहाँ होने जा रहा, तो एक इंक्रीमेंट हमें अप्रैल में ही मिल जाएगा जिनका भी प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो जुलाई माह वाला खुद ही रुक जाए क्योंकि 6 महीने का गैप नहीं है बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखिए, फायदे नुकसान हमें सब सोचने हैं। कई हमारे शिक्षक साथी और जो जो शिक्षक हमारी जो महिलाएं हैं तो वो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, या दूर दराज मिल जाता है तो अक्सर वो प्रमोशन नहीं लेती हैं। ठीक है, एक ही देखिए इसमें पे बढ़ना है आपका और पद बढ़ना है, तो ध्यान से ले आप समझ के ही फैसला लीजिएगा अपना फायदा और नुकसान देखते हुए। अब देखिए इसके बाद है, सचिव द्वारा निर्गत बेसिक जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापक व अध्यापिकाओं के प्रमोशन के लिए 5 वर्ष की बात कही गई है और बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली 1981 के 22वें संशोधन के पद रिक्त होने की दशा में अनुभव में शिथिलता प्रदान करते हुए 3 वर्ष के अनुभव की भी व्यवस्था दी गई है। हो सकता है कि कुछ जनपद में जहां पर टीचरों की काफी कमी हो तो ये फिर से ये लागू किया जाए, 3 वर्ष कर दिया जाए। एक बार ऐसा प्रमोशन हो चुका है। ऐसे अध्यापक अध्यापिकाओं जिनकी सेवा मार्च 2023 तक 10 वर्ष पूरी हो रही हो, सभी को चयन वेतनमान व प्रमोशन दोनों का लाभ मिलेगा, और जिन अध्यापक अध्यापिकाओं का सेवा वर्ष 10 वर्ष मार्च 2023 के बाद पूरा हो रहा है उन सभी को प्रमोशन के लाभ मिलेगा और चयन वेतन का लाभ अगले 10 वर्ष इस साल के बाद मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि अगर आपका कोई ना कोई एक ही मिलना है। ठीक है, ये भी देखिए काफी ज्यादा बारीकियां हैं जो कि निकल के आ रही हैं सामने। अब ऐसे अध्यापक जिन्होंने अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ किसी भी सत्र में ले लिया है, उनके लिए वरिष्ठता निर्धारण का दिनांक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र की दिनांक से लिया जाएगा। ये मैंने पहले ही इसका देखिए आपको लेटर दिखा दिया था, और कार्यभार तिथि स्थानांतरित जनपद के बीएसए ऑफिस में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक माना जाएगा, ना कि विद्यालय का, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो मृतक आश्रित हैं हमारे शिक्षक साथी में नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन के लाभ के लिए वरिष्ठता उनके प्रशिक्षण पूर्व होने की तिथि से मानी जाएगी। अब ये देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी ये देखिए हमारे जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मैंने आपको जियो दिखाया था जो कि उन्होंने अक्टूबर में जारी किया दिया था। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका नाम प्रमोशन लिस्ट में आने के बाद प्रमोशन का लाभ लेने से मना किया जाता है, उन्हें भविष्य में होने वाली सभी प्रमोशन वह 10 साल पर मिलने वाले चयन वेतनमान में से वंचित रखा जाएगा। ये देखिए मैंने पहले ही जियो के अंतर्गत दिखा दिया है, क्योंकि देखिए ये पिछले वर्ष ही अक्टूबर 2022 में आया है तो इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है तो इस बार से ये जरूर लागू होगा, और संबंधित अध्यापक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि भविष्य में इसकी मांग नहीं करेंगे। पहले क्या था कि 3 वर्ष बाद आप फिर से पुनः मेरिट लिस्ट के हकदार हो जाते थे, अब यहाँ पर मतलब हम मांग नहीं कर सकते हैं। ये शासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि हमें फिर से प्रमोशन की लिस्ट में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये थी देखिए पूरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।